हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ईयरफोन के बारे में। तो क्या आप भी सर्च कर रहे हो कि मेरे लिए सबसे अच्छे ईयरफोन कौन से होंगे? तो आज हम लोग उसी के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि आपके लिए सबसे अच्छे ईयरफोन कौन से होंगे। फ्रेंड्स, अगर आप गेमर हो और गेमिंग के लिए ईयरफोन खरीद रहे हो तो आपको वायर्ड ईयरफोन की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि इससे बेटर ऑप्शन आपको नहीं देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप TWS और नेकबैंड वगैरह लेते हो तो यहाँ पर आपको लेटेंसी का झंझट देखने को मिलेगा। बहुत लोग समझता है लेटेंसी को, बहुत लोग फ्रेंड्स लेटेंसी के बारे में नहीं जानता है, तो मैं उसको बता उनको बत, बहुत लोग फ्रेंड्स लेटेंसी के बारे में नहीं जानते हैं तो मैं उनको बता दूं कि जो इसे डब्बा खरीदिएगा ईयरफोन वगैरह का, TWS नेकबैंड का बॉक्स पे आपको साफ मेंशन किया हुआ होता है 80 ms लो लेटेंसी, 40 ms लो लेटेंसी। लो लेटेंसी का मतलब क्या होता है कि वहाँ पे आपको उतना का आपको वो देखने को मिलता है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, अगर आप फायरिंग करते हो तो जिसमें 80 ms लो लेटेंसी है तो 80 ms बाद आपको फायरिंग का साउंड सुनाई देगा, जिसमें 40 है उसमें 40 ms बाद। और वायर्ड ईयरफोन में ये झंझट देखने को नहीं मिलता है थोड़ा सा भी, और यहाँ पर आपको बैटरी का झंझट देखने को नहीं मिलता है, जो कि आपको नहीं चाहिए गेमिंग करते टाइम। और ये आपको अंडर 5000 फ्रेंड्स, ये आपको अंडर 500 बहुत ही तगड़े देखने को मिल जाते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे ईयरफोन अंडर 500 देखने को मिल जाते हैं। और यहाँ पर बैटरी का दिक्कत मैंने जैसे बताया नहीं होता है, लेकिन बहुत सारे फोन में 3.5 mm जैक का पॉइंट नहीं दिया होता है, तो उसके लिए क्या जुगाड़ है। तो फ्रेंड्स, ठीक इसी तरह का एक डोंगल देखने को मिलता है, एकदम ठीक इसी की तरह छोटकू सा होता है। और यहाँ पर जो ये USB है उसके जगह 3.5 mm जैक का कनेक्टर होता है, और ये आपके फोन में इजीली लग जाएगा। बहुत ही फोन में फ्रेंड्स अब नहीं आ रहा है 3.5 mm जैक का पॉइंट, तो ये आपको वहां पे लगा लेना होगा। और छुटकू सा है लेकिन इसका प्राइस थोड़ा महंगा होता है, तो गेमिंग के लिए खरीद रहे हो तो खरीद लो। ये आपको 200 से 500 के करीब देखने को मिल जाएगा। आईफोन का आप देख सकते हो थोड़ा महंगा है। और फ्रेंड्स हम लोग बात करें, ये नेकबैंड किन के लिए बना हुआ है? नेकबैंड अगर आप घूम रहे हो, ट्रेवलिंग वगैरह कर रहे हो, तो उनके लिए बना हुआ होता है। फ्रेंड्स, एगो मेरा दोस्त है जो कि ईयरफोन खरीदा है TWS वाला, और लेकर बाइक पे चलने लगा और भुलवा दिया, तो आपके लिए TWS नहीं बना हुआ हुआ है, वो भुलवा दिया 2000 का ईयरफोन। तो फ्रेंड्स अगर हम लोग बात करें TWS की, तो TWS उनके लिए बना हुआ है जो घर में रहना है, उनको ज्यादा ट्रेवलिंग नहीं करना है, घर में उसको यूज करना है, तो उनके लिए TWS वगैरह ठीक है। नहीं तो उसमें क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि आपको भूल जाएगा, नहीं तो एक वो डेड कर जाएगा, एक का बैटरी खराब हो जाता है, वो तो अलग बात है, लेकिन भूलने का ज्यादा इसमें डर रहता है, और कभी ऐसे पानी में गया तो खत्म, वही सिस्टम होता है। और नेकबैंड में आपको ये फीचर देखने को मिल जाएगा कि गिरेगा नहीं, और यहाँ पर बोथ में मैग्नेटिक ऑन ऑफ होता है, तो वो भी एक अच्छा कूल लगता है ऐसे लग जाता है तो। और फ्रेंड्स नेकबैंड उनके लिए बना हुआ होता है जो कि ट्रैवलिंग वगैरह करते हैं, क्योंकि वहाँ पे आपको गिरने का टेंशन नहीं होता है, और बैटरी बैकअप भी ठीक ठाक देखने को मिल जाता है।